यूपी के जनपद रायबरेली स्थित सरेनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बेनी माधवगंज चौराहे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब ट्रैक्टर चालक द्वारा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर चार दोपहिया गाड़ियों के ऊपर से चढ़ता हुआ सौर ऊर्जा के खंभे से टकराते हुए दुकान में जा घुसा। गनीमत रही कि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई और सड़क पर चल रहे यात्री व दुकानदार बाल बाल बच गए। जानकारी के मुताबिक बेनी माधवगंज चौराहे पर अनियंत्रित ट्रैक्टर की चपेट में आने से सड़क के किनारे खड़ी चार बाइकों के परखच्चे उड़ गए और इसी दौरान आशीष गुप्ता निवासी रालपुर को ट्रैक्टर की चपेट में आने से गंभीर चोटें आई जिसे निजी वाहन द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। सूचना पर पहुंची सरेनी पुलिस द्वारा जेसीबी की मदद से ट्रैक्टर को उठाया गया और दबी हुई बाइकों को बाहर निकाला गया। बताया जाता है कि बेनी माधवगंज चौराहे पर सड़क के दोनों तरफ जमकर अतिक्रमण हो रखा है जिससे आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। वहीं स्थानियों ने सड़क की दोनों तरफ हो रखे अतिक्रमण को हटवाने की प्रशासन से गुहार लगाई है जिससे कि हादसों में गिरावट आए और साथ ही साथ लोग स्वयं को आवागमन में महफूज रख सकें। फिलहाल क्षतिग्रस्त बाइकों व ट्रैक्टर को कोतवाली ले जाया गया है। जनसेतु के लिए रायबरेली से सुधीर अग्निहोत्री की रिपोर्ट।